हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, प्रतीक फटा भाई, आज फटा प्रतीक। और मुझे पता था कि ऐसा कुछ आज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि कल का लाइव जरूर देखना भाई, क्योंकि कल जिस तरीके से टास्क हुआ ना, उस चीज का मुझे कहीं ना कहीं प्रतीक के चेहरे पर कल ही दिख रहा था कि इसको बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि टास्क में तो ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस जैसे भाईचारा सा निभा रहे थे ये लोग। तो आज सुबह उठते जैसे कुकड़ू कू की आवाज आई, भैया हमारा प्रतीक भाई हो गया शुरू। और जो उसने सारा सामान वामान इधर उधर टास्क का इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया पानी में, तो इतने में हमारे कप्तान जी उधर से चलते हुए आ रहे हैं आराम से। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, क्यों फेंक रहा है ये सब कुछ? बिग बॉस की प्रॉपर्टी है, बिग बॉस की प्रॉपर्टी। अरे भाई, तूने बिग बॉस 13 नहीं देखा क्या, ये बता? या बिग बॉस 14 नहीं देखा? बिग बॉस 13 का सीजन नहीं देखा? लगता है हमारे भाई साहब ने है सारे, जो रेलगाड़ी का सारा टास्क वर्क सब कुछ तोड़ताड़ दिया था रश्मि ने। और दूसरा, अगर बात करूं यहाँ पे इनके संचालन की, हमारी श्मिता जी और राकेश जी कितने बायस्ड हैं यार ये लोग, मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई दे रहे कि कितने ये लोग बायस्ड हैं यहाँ पर। कल इन्होंने प्रतीक हर चीज में, प्रतीक बीबी पंचायत में, तो इन्होंने प्रतीक और अक्षरा की जोड़ी, इनको कहां से स्ट्रांग जोड़ी नहीं दिख रही। हर एक बंदा, मतलब मैं कह रही हूँ कि जिसकी दूर की नजर कमजोर होगी ना, जो अंधा होगा वो भी देख के समझ जाएगा कि भाई प्रतीक और अक्षरा का कनेक्शन जो है कितना स्ट्रांग है घर में। देख लो ना, जो कल ये दिव्या और ये दिव्या और जिशान का कनेक्शन दिख रहा है ना, मिलिंद और नेहा का कनेक्शन दिख रहा है ना, कैसे लड़ रहे भिड़ रहे हैं आपस में, इनको बोल रहे हैं कि इनका कनेक्शन है। और वही बात करें, ये जो टास्क चल रहा है अभी घर में, इस टास्क में उसने सबसे पहले प्रतीक को निकाल दिया। मुझे लग रहा है भाई प्रतीक को ना सारी रात नींद नहीं आई होगी, कि मतलब बंदों को जो संचालन करने वाले उनको यही नहीं पता कि दूसरा बजर भी बजने वाला है। वो जो प्रतीक खेल रहा है वो बता रहा है कि दूसरा बजर बजेगा तब आपको डिसीजन ले सकते हो। कैसा बिग बॉस भी पता नहीं कैसे लोगों को संचालन दे देते हैं, बार 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 उन्हीं को संचालन दे रहे हैं। और जो ये हमारे राकेश जी चिल्ला रहे हैं ना, मैं दंड दे दूंगा, मैं दंड दे दूंगा, भाई सामने वाला बंदा दंड ले ही नहीं रहा, कर ले क्या करेगा? और दंड में क्या दे रहे कि बर्तन मांज ले, है बर्तन मांजना कोई दंड होता है? तो वो सामने वाला बंदा कह रहा है कुछ ऐसा दंड दो कि भाई तू 3 घंटे के लिए टॉयलेट नहीं जाएगा। तो वो जी कह रहे चले जा फिर, ये टॉयलेट नहीं जाएगा तो 3 घंटे अब थोड़ी होता है, तो मजा आ गया ये डायलॉग सुनने में तो है। और राकेश जी को ये नहीं पता कि कहीं ना कहीं बिग बॉस चाहते हैं, जो बिग बॉस चाहते थे ना वो आज प्रतीक ने करा है। तो आप कितने भी दरवाजे खटखटाते रहो, कितनी भी कुंडी खटखटाते रहो भैया, लेकिन बिग बॉस कन्फेशन रूम ना खोलने वाले, वो कुछ ना खोलने वाले, कप्तानी भैया तुम संभालो। और प्रतीक को तो भाई कोई संभाल नहीं सकता आज। वही बात करूं, जैसे ये हमारा जिशान भाई एकदम से कूद के आया दंग से प्रतीक के ऊपर, बस की कुछ ना इसके भी, सही बोल रहा है प्रतीक, के फट्टू है, मैं आपको बता रही हूँ प्रतीक के अंदर है गट्स करने के, लेकिन जिशान फट्टू है। ये थोड़ी देर तो करेगा, 10-15 मिनट आपको दिखाएगा करेगा, लेकिन फिर ये जाके कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास चुगलियां करेगा, वो वाली आदत है इसकी, मैं आपको बता रही हूँ अभी से ही। दूसरे, आज हमारी जो नेहा जी जो उनको पति और पत्नी का टैग दे रही हैं अक्षरा जी को और उनको प्रतीक को, और फिर जो प्रतीक उस चीज को बोल रहा है ना बार बार कि हाँ आज से हम दोनों पति पत्नी है, तो भाई मजा आ गया। मतलब डायलॉगबाजी के आज कुछ ऐसी डायलॉगबाजी हुई है कि जिसको सुन के जाए मजा तो आया है हमें। वही श्मिता जी और राकेश जी का जो संचालन की बात करूं ना, मैंने इतना घटिया संचालन आज तक नहीं देखा। मतलब शुरू से मैं बिग बॉस को फॉलो कर रही हूँ, बायस्ड होते हैं संचालक, बायस्ड होते हैं, एक तरफा अपने फ्रेंड्स के लिए करते हैं, बट ये लोग, इन लोगों को तो यही नहीं पता कि टास्क क्या चल रहा है। श्मिता जी जो अपने आपको इतना माइंडेड और बोलती कि भाई मुझे 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, खाक एक्सपीरियंस है, घंटा एक्सपीरियंस है आपको, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है मैडम। और राकेश जी के मुंह से आज एक बार फिर निकल गया है भाई कि ये बिग बॉस का घर मेरा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपने नोटिस किया हो तो राकेश और मूस की जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया मुझसे कि ये घर तुम्हारा नहीं भैया, तुम यहाँ पे 2-3 हफ्ते की मेहमान हो, मेरा तो यहाँ पर 6 हफ्ते में टिकने वाला हूँ, मुझे तो मिनिमम गारंटी मिली हुई है। और इस चीज को फिर दोबारा से आकर करण जी जो है क्लैरिफाई करेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक को दिखाना तो है ना भाई कि ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है बंदा। और दूसरा, ये टाटा वर्सेस बाटा तो टीम चली रही है हमारी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो टाटा की टीम है ना ये टूटने वाली है। और बाटा की टीम तो भाई होती स्ट्रांग, बाटा देखा ना कितना स्ट्रांग होता है, जब पड़ता है ना तो भाई अच्छो अच्छो की हवा टाइट हो जाती है। तो ये जो टाटा की टीम है ना, क्योंकि ये स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जब देखो सब लोग आपस में बातें तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के बैक बीचिंग करते हैं। जो हमारा बाटा है भैया बड़ा स्ट्रांग है, निशांत, मूज, अक्षरा और प्रतीक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दिव्या और ये करण, ये अब धीरे धीरे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाटा की टीम में धीरे धीरे ये खिसकने वाले। इनको बाटा अच्छा लग रहा है भाई, उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है ना, जो उनकी यूनिटी है वो इनको भा गई, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिव्या भी चाह रही है प्रतीक की टीम में जाना, तो आएगा बड़ा मजा जब ये टाटा के बंदे हो जाएंगे जाके शामिल और ले लेंगे नाम बाटा।
तो ज्यादा कुछ आज हुआ नहीं, आज बस दिशान और प्रतीक का हमें जो है फाइट दिखाई दी और वहीं पर जो है प्रतीक जी आज हमें एकदम मतलब फटते हुए नजर आ रहे। हाँ, दूसरा भाई अक्षरा जी का सीन भाई बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला लो हमें, नहीं तो इनके मुंह में हाथ डाल के हम इनको फाड़ देंगे आज। फिर आप मत कहिएगा कि अक्षरा जी आपने क्या कर दिया। तो भैया बड़ी जो स्ट्रांग पर्सनैलिटी बाहर निकल के आ रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रतीक अक्षरा निशांत दिव्या जिशान शिमिता और राकेश तो हैं, तो ये मुझे टॉप कंटेस्टेंट लग रहे हैं जो हमें बिग बॉस 15 में दिखाई देने वाला है। और कहीं ना कहीं बाकी के धीरे धीरे ये जो करण जी जो हमारी आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देखते तो रहते हैं लेकिन बंदे से हो कुछ ना पाता, तो हमारे ये करण जी मूस जी और नेहा जी मिलिंद जी गाबा जी को तो भैया गाने गाने तो बिग बॉस भैया उसके बस की ना है, यहाँ पर आके चिल्लाना बेचारे का गला खराब हो जाएगा तो उसका तो करियर ही खराब कर दोगे ना आप। तो मिलिंद को कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी उसको निकालो भैया और जाके वो अपना काम वाम शुरू करे घर पे, ठीक है। तो जो मुझे तो यहाँ पे टॉप कंटेस्टेंट यही दिखाई दे रहे हैं, प्रतीक अक्षरा शमिता राकेश निशांत और जिशान और दिव्या। अब देखते कौन कौन हमें बिग बॉस 15 के घर में दिखाई देने वाला और इनमें से कौन है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट, वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।